मैथ्स ही करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार थोड़ा सा फिर से इंट्रो दे देती हूँ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास में, इक्वेशन जो डेरिवेटिव और वेरिएबल के साथ में कंबाइंड फॉर्म में मिलती है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डेरिवेटिव होता है हमारे पास, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे 2x dy / dx - 3y = 5, ये आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में, जिसमें आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy / dx है हमारे पास में, और साथ ही हमारे पास में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, किसका डेरिवेटिव है, dy / dx है। तो यहाँ पे y आपके पास में होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपके पास में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में? आपके पास एमसीक्यू में ये पूछने के लिए भी आ सकता है कि आपके पास में इनमें से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है या कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको पता होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसकी टर्म्स में निकाला गया है हमारे पास में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अगर मान ली मैंने लिखा 3z - dz / dy = 7, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्या कुछ है, मैंने क्या बोला dy / dx जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तो मैंने बोला आपका ध्यान नहीं था, dz / dy नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया z। मैं वही तो देख रही थी, तेरा ध्यान नहीं था इसलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया, वरना मैं कभी तुमसे ऐसा लल्लू सा क्वेश्चन नहीं देती हूँ। दिया मैंने आपसे पहले कभी, क्योंकि ध्यान नहीं था, पिटाई खा जाएगी मेरे से। तेरे दिमाग में जब मैंने सवाल पूछा ये आया कि अरे y डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उसके साथ डेरिवेटिव नहीं है, है ना। मुझे भी पता है ना कहाँ तक सोच सकती है, मार खाएगी मेरे से, इधर ध्यान दे वरना। अब क्लियर हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास में ऑर्डर क्या होता है, यस ऑर्डर क्या होता है हमारे पास में, ऑर्डर है आपके पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव। भाई जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास। जैसे देखो एक इक्वेशन दे रही हूँ dy / dx - sin x = 0, equals to नहीं दे रही हूँ, माइनस है, एक बार माइनस sin x = 0, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इसमें आपके पास में 1। ऐसे एक और इक्वेशन ले लेते हैं आपके पास dqy अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, बताइए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, थ्री। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं हम डिग्री पे कि भाई डिग्री क्या होता है आपके पास में, व्हाट इज डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, कि जो हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर क्या है, उसकी जो पावर है वही आपके पास में उसका जो है वो डिग्री है आपके पास में। जैसे मैंने आपको इक्वेशन दी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल का क्यूब या स्क्वायर ले लेते हैं प्लस तो भाई ऑर्डर कर रहे हैं हम, ऑर्डर क्या है, जैसे आपको मैंने दी एक इक्वेशन दे दी डी d3 y upon dx square का whole square plus x d square y upon dx square equals to 0। तो भाई यहाँ पे पहले बताओ order क्या है, order क्या है, 3। order है हमारे पास में 3। अब इस order की highest power क्या है, तो degree क्या हो जाएगी,
डिग्री का हो गया हमारे पास में। अब ऑर्डर और डिग्री के बारे में याद रखने वाली बात क्या है? सबसे पहली बात जो हमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में याद रखनी है कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा जी पॉजिटिव होते हैं, आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होंगे आपके पास में, हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे हमारे पास। अगर आपके पास में कोई आपके पास में ऐसा फंक्शन है जिसको जो कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन का नहीं है, नॉट अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, मतलब आपको जो इक्वेशन दी है वो पॉलिनॉमियल नहीं है, देन डिग्री नॉट डिफाइंड। कैसे, देखो एक बार समझो। जैसे आपके पास इक्वेशन है dy by dx plus sin dy by dx। अब ये एलजेब्रिक नहीं बना, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड को एलजेब्रिक हो जाते हैं। साइन में डेरिवेटिव आ गया, वेरिएबल आ गया, वो भी हमारा रेट के साथ आ गया, चेंज के साथ आ गया। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में हो कैसे भी हो, वही है ना, इनका नहीं उसका, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास में, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है बात, डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। चलिए क्वेश्चन देते हैं, डिवाइड बाय dx माइनस sec x इक्वल्स टू जीरो, बताइए फटाफट, इसका ऑर्डर भी बता दीजिए और डिग्री भी बता दीजिए। पहले वाले में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके पास वन है और डिग्री, ऑर्डर आपके पास वन और डिग्री भी आपके पास में, सेकंड वाले में ऑर्डर है थ्री और डिग्री वन। एक मिनट रुक जाओ, डिग्री क्या आपके पास में वन, पक्का? क्या ये आपके पास में एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है? पॉलिनॉमियल एक्सपोनेंशियल होता है ex, पर क्या ex डैश भी एक्सपोनेंशियल है? अगेन रेट ऑफ चेंजिंग आ गई ना हमारे पास, तो डिग्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डर वन और डिग्री क्या वन, कैसे बेटा, dy by dx का होल पावर टू ही है, तो क्या हो गया, नहीं होल स्क्वायर होता तो होता ना, तो डिग्री क्या हो गई? अब मैं तेरा ना भेजा ही लाता हूँ, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, y इक्वल्स टू dx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर टी इज डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड ऑर्डर एंडिंग। मेरा ऑर्डर वन है, डिग्री टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा इधर ध्यान दे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कई सारे टाइप्स है, सबसे पहले करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सबसे आसान भी है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, पर सॉल्यूशन किससे निकालेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से निकालेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, नहीं क्वेश्चन से देखो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मतलब क्या, वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल मिक्स होंगे। आपके पास क्या है, इक्वेशन दी होगी dy by dx और फंक्शन दिया होगा x, y के टर्म्स में। आपका काम क्या होगा यहाँ पर, आपका काम होगा कि आप x के टर्म्स को एक तरफ ले और y के टर्म्स को एक तरफ ले और फिर सॉल्व करो।
कैसे करेंगे, जैसे देखो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा रही हूँ, आपके पास है dy by dx equals to 1 plus x square into 1 plus y square. अब अगर देखो तो पहले वाला जो मल्टीपल ब्रैकेट है वो x का है, दूसरे वाला आपके पास में किसका है, y का है. तो हम वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, हम x के टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, हम y के टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं. तो क्या करते हैं, dx को इस तरफ लेके चले जाते हैं और जो y वाला टर्म है उसको इस तरफ ले आते हैं. तो ये हो जाएगा dy into 1 plus y square equals to 1 plus x square dx. डिवाइड बाय डीएक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू. अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब आपको इक्वेशन को नॉर्मल के टर्म्स में वाई एक्स के टर्म्स में निकालना. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे. जब आपने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, इट इज टैन इनवर्स वाई. ये हो जाएगा टैन इनवर्स वाई. और इधर आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनेट है तो आ गया प्लस सी. आपके पास आया tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c. यहाँ पे c जो है वो आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. समझ में आई बात, तो ये हो गया आपके पास में इसका सॉल्यूशन. अगला क्वेश्चन, x प्लस 2 dy by dx इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसका निकालिए जनरल सॉल्यूशन. हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो कटी हुई है. क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो y को एक तरफ और x को, तो भाई dy इधर ले जाएगा, y की कोई और टर्म नहीं है, बाकी को उधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस. यहाँ आ गया भाई आपके पास में dx. अब क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ dy हो गया सीधा से आपके पास में y. अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये जो आपका वो डिवाइड वाला था ना इंटीग्रेशन, रिमाइंडर फॉर्म में निकाल के, रिमाइंडर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म में. गुड वर्क, इसको हम डिवाइड करेंगे जब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास. ये इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो तुम्हें बेसिक पता ही होगा. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x का हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर बाय टू, थ्री का हो जाएगा आपके पास 3x, और ये क्या आ जाएगा माइनस, मैं x प्लस 2 को ले लेते, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, टी ले लेते, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस. आ रही है बात समझ में, तो ये आ गया हमारे पास में इसका जनरल सॉल्यूशन. ये ऐसे क्या ना, x प्लस 2 से ऊपर वाले टर्म को डिवाइड कर और जो क्वेश्चन था. अगला देखिए, सेम आपको सॉल्व करना है, dy by dx equals to e to the power x minus y प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई. बताओ कैसे करेंगे, यहाँ बताओ मुझे, बताओ कैसे करेंगे. ये आ गया डी वाई, कैसे खोलते, ये हो जाएगा आपका e to the power x upon e to the power y. अब इसको बाहर लेके और 5 को
है इसको। अच्छा ये dx भी लिख जाए तो ये आ गया ey, dy equals to dx plus x square dy। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, ey का क्या आ जाएगा, ey आ गया इधर, dx का ex रह गया x square प्लस, समझ में आई बात, ये तो हो गई बात जनरल सॉल्यूशन। क्या बात है, कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल, कहते हैं क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपके पास इक्वेशन आ गई dy by dx equals to minus 4xy square, जहां आपको दे दिया y 1 है और x आप कहते हैं ये है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के पहले यहाँ करेंगे, पहले तो हम सिंपल इसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन निकालते, तो जनरल के लिए x के टर्म्स को एक तरफ और y के टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा dy by y माइनस 4x, y स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा y की पावर लेके जाओगे माइनस में आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस वन बाय वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये तो बात होगी जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तक आया निकाल के छोड़ दिया, अब निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या आपको जो है वो सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे तो y 1 हो गया माइनस वन बाय वन, ये हो जाएगी टर्म जीरो, तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। तो अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाय वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस, समझ में आई बात, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसको y के टर्म्स में, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके y उधर लेके और इसको उधर ले, तो आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये है आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और इसमें इसी तरह इसमें चलिए x प्लस वन dy by dx equals to 2xy, बताएं क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, नहीं रहा बता रहा x प्लस वन को जब ले जाएंगे तो मैं क्या लिखूं, dy by dx equals to तो हो गया dy upon y 2x upon x plus 1 dx, अब इंटीग्रेटिंग हो सही, अब इधर तो log x लगाओ log y equals to और x अपॉन x अलग में, जब न्यूमरेटर में दो टर्म है नीचे एक टर्म का बात कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग थोड़ी ना कर सकते, मैंने इसका एक तरीका बताया हुआ है और बहुत बार यूज भी किया है। दीदी बोलेगी तब तो ये हो जाएगा log y equals to
ब्रैकेट में x माइनस प्लस c, ब्रैकेट खोल दीजिए, लोचा यही तो है। आगे भी बताइए सरकार, पहले वेरिएबल सेपरेबल लगा दें, रहेगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब आप यहां पे cos 2 का एंट्री लगा सकते हो, की ऑन दी है सरकार, 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin। और इसको रट ले बेटा, कितनी बार बताऊं, करनी पड़ेगी। 1 माइनस cos x होता है 2 sin square x by, और 1 प्लस cos x होता है 2 cos square x by। इतना ही तो याद रखना है, अगर माइनस है तो sin square x by। यदि बस ये दो थोड़ी है, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगी, पर लिखने को ही तैयार नहीं हो तो मान करके बालक। तो ये हो जाएगा 2 sin square x by 2 upon square x by 2। क्या आ गया, अब कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसको sec में चेंज कर दो फिर है? थोड़ा गलत हो गया, टेंस को तो क्यों लगता है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं आप डायरेक्ट लिख दूं, इसमें 2 tan x by 2 पहले वेरिएबल सेपरेबल लगा दे बेटा, साइन वर्स एक्स डीएक्स, इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें, बाय पार्ट्स कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स का डायरेक्ट नहीं है आपके पास, इसको आप लिखेंगे 1 इनटू साइन इनवर्स x dx। अब आप निकालेंगे, चेक करें आंसर ये आएगा y equals to x sin inverse x plus under root 1 minus x square plus एक ही बात है भाई, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को बाय